आज संविधान की जीत हुई है। उसको तो राजनेता जबरदस्ती दंगे फसाद करवाते हैं, वो शिकार वो बन जाता है, वो भाग जाते हैं नेता लोग और उनके गुंडे भी भाग जाते हैं। पुलिस ध्यान नहीं देती, अगर पुलिस चाहे तो कभी दंगा ना हो। कश्मीर के अंदर आप देखते हैं कि हिंदू लोग थे, हिंदू पंडितों की जान के ऊपर खतरा आया, उनके रेप हुए, उनके बलात्कार हुए, उसके ऊपर कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं उठता, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं। क्या हिंदू की जिंदगी क्या इतनी आसान है? हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उस वो एक मतलब बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है इस समय। चाहे हिंदू मुस्लिम का हो या किसी का भी दंगा हो, दंगों के अंदर मासूम लोग बेचारे शिकार बनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज 15। बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको गुजरात के कोर्ट ने 11 के 11 रेप के आरोपियों को बरी कर दिया था, सज़ा माफ़ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और 11 के 11 दोषियों को वापस से जेल जाना पड़ेगा। 10 दिन का समय दिया गया है इनको सरेंडर करने के लिए। इस पर हम जनता के बीच में पहुंच गए और जानेंगे कि आखिर बिल्किस बानो को न्याय मिल रहा है या नहीं। क्या नाम है सर? रिचे। क्या लग रहा है बिल्किस बानो केस में वापस से जो फैसला पलट दिया गया? देखिए, बहुत बड़ी बात है, अनप्रेसिडेंटेड समझ लीजिए, या फिर ये जस्टिस के फेवर में समझ लीजिए इस चीज़ को, कि कभी भी कोई भी विवाद होता है, दंगा फसाद होता है, कहीं पर भी होता है, कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि एक महिला की अगर इज्जत आबरू के हमला होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, पहले तो वो महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए। अब हम ये सोचें कि अगर एक पैटर्न हम बनाते हैं, एक प्रेसिडेंस बनाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कोई कुछ नहीं होगा, यू गेटिंग माय पॉइंट, तो जब कोई कुछ नहीं होगा तो फिर माहौल बिगड़ता है, फिर दूसरे लोग भी कुछ करेंगे, वो भी करेंगे, दंगा फसाद होगा, दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे। मैं कहता हूँ कि दंगे के अंदर कोई भी तरफ से दंगा हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे किसी का भी दंगा हो, दंगों के अंदर मासूम लोग बेचारे शिकार बनते हैं, विक्टिम लोग आम जनता बनती है जिनका कोई लेना देना नहीं होता। ज़्यादातर दंगे फसाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं या उकसाए हुए होते हैं किसी के फेवर में जाने के लिए, इधर या उधर करने के लिए कराए जाते हैं, लेकिन उसमें जो आम जनता जो बेचारी पिसती है, जो 84 के दंगों को देख लीजिए, वो हिंदुओं ने नहीं करा, वो क्रिमिनल्स, हायर्ड क्रिमिनल ने करा। हिंदू लोग तो एक पैर की एक चीटी नहीं मार पाते हैं हिंदू लोग, उन्होंने नहीं मारा। 84 के दंगों में सिखों की हत्या हिंदुओं ने नहीं करी, ये सब जानते हैं, सिख लोग भी जानते हैं, और जो भी हुआ उसके अंदर वो आज भी पीड़ा है लोगों के अंदर। नहीं, वो हायर्ड पार्टियों के हायर्ड गुंडों ने करा, क्रिमिनल, उनका कोई दीनमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता उनका, गुंडों का कोई धर्म नहीं होता गुंडों का। अरे आपको क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हर इंसान का धर्म होता है, चाहे वो गुंडा हो या ना हो, धर्म के बिना नहीं। किस बानो केस मामला पता है ना आपको, 11 दोषियों को आज वापस से जेल जाना पड़ेगा। अगर उनको बोले कि उनका कोई धर्म नहीं है और वो धर्म की आड़ में नहीं छुपते, तो ये अपने आप ही बात अलग ही बात है। नहीं, अब ऐसा वो आप देखे, मैं मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि जहां पे क्रिमिनल कभी भी किस हाई हुई थी तो बीजेपी के नेता फूल माला लेकर के स्वागत किया था किनका? यही तो वो उन लोग जो बाकी लोगों ने इस्तेमाल किया क्रिमिनल को, उनका धर्म है, लेकिन क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी हायर कर सकता है। आपको मल्टीपल एग्जांपल, इंसान क्रिमिनल नहीं, लेट मी फिनिश, मैं ऐसे सैकड़ों एग्जांपल बता सकता हूं जहां पे उसी धर्म के लोगों को उसी धर्म के क्रिमिनल ने मारा हायर पे करके, बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं मैं आपको ऐसे। तो इसलिए ये क्रिमिनल का धर्म नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने उसको हायर करा उनका धर्म हो सकता है। धर्म से मत जोड़िए ना, ये इशू को धर्म से नहीं जोड़ते। हाँ, जो दंगा फसादी होता है वो मतलब वो इंसान नहीं है, सीधा यही बात है। धर्म तो सबका है, क्योंकि हम तो धर्म के साथ ही पैदा हो रहे हैं ना, हमारा तो एक सिस्टम है, हमें एक नाम दिया जाता है, शादियां होती हैं, या किसी को जनेऊ पहनाया जाता है, हाँ, तो वो सब धर्म का ही सिस्टम है ना। जब इंसान जन्म लेता है तो धर्म वो, अरे यार, जन्म लेने के बाद ही धर्म आता है। धर्म कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उस वो एक मतलब बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है इस समय जो है, जो मतलब ये दंगे की बात कर रहे हैं, वो इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, जहाँ पर पुलिस ध्यान नहीं देती, अगर पुलिस चाहे तो कभी दंगा ना हो। जी, एक्चुअली देखिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ, और तमाम उन लोगों को भी मिलना चाहिए जहाँ जहाँ पे भी दंगे होते हैं, जहाँ पे भी, चाहे कश्मीर के अंदर आप देखते हैं कि हिंदू लोग थे, हिंदू पंडितों की जान के ऊपर खतरा आया, उनके रेप हुए, उनके बलात्कार हुए, उसके ऊपर कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं उठता, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं। क्या हिंदू की जिंदगी क्या इतनी आसान है? फिल्म तो बनी ना सर, न्यूट्रल समझना चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी हमारे संविधान में सारे बराबर हैं। कश्मीरी पंडितों के ऊपर तो एक फिल्म भी बनी थी, द कश्मीर फाइल। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर जुर्म हुआ तो उसके ऊपर मूवी भी बनी है, और बेशक सजा होनी चाहिए जिन के ऊपर, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, विक्टिम है। एक बेचारा इनोसेंट आदमी, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। उसकी गलती क्या है? उसको तो राजनेता जबरदस्ती दंगे फसाद करवाते हैं, वो शिकार वो बन जाता है, वो भाग जाते हैं नेता लोग और उनके गुंडे भी भाग जाते हैं। क्या इन बिल्किस बानो को इंसाफ मिल रहा है? अभी तो जैसे आदमी से तो मिला है, इंसाफ तो मिला है, लेकिन अब बात यह है ना कि आगे क्या होता है, ये सब देखना पड़ेगा ना। अभी
अभी तो ये भी हुआ है कि उनको छोड़ा भी गया तो वो इंसाफ नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को रद्द कर दिया है, जो पिछला ऑर्डर था गुजरात सरकार का। तो आगे देखो क्या होता है, अभी तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि दोबारा से रिवर्स करा जाता है। अगर कोई इंजस्टिस हुआ है किसी के भी द्वारा या न्यायालय के द्वारा कोई इंजस्टिस होता हुआ दिखता है तो उसको रिवर्स कराए सुप्रीम कोर्ट ने कि दोबारा से इसकी जांच होगी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं सही से तो उनको सजा भी मिलेगी। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से दिस इज गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ये लोगों के लिए जो जुल्म के शिकार हैं, चाहे कहीं पर भी हो, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी क्रीड के हों, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर हमारा देश का संविधान सबके लिए बराबर है और बराबर ही रहना चाहिए। भारत का संविधान ये बोलता है कि जो रेप की कंडीशन है उसके पहले में जस्टिफाई करे और उसके बाद में सारी चीज़ें करे। हम यहाँ पर कुछ भी ओपिनियन नहीं दे सकते इसके बारे में, लेकिन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सही ही करेगा, सारे तथ्यों पे करके फिर उसके बाद निकले। 2002 से कोई महिला न्याय के लिए भटक रही हो दर दर की ठोकरें, नहीं ठीक है, देर होता है। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं हो, चाहे गुनहगार फ्री हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन किसी भी बेगुनाह को फालतू सजा नहीं हो, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही न्याय करेंगे यही है। देखिए संविधान की बात है, संविधान की जीत हुई है देश में, आज संविधान की जीत हुई है। हमारा देश संविधान से चलता है तो देश का जो संविधान है, कानून है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो आज संविधान की जीत हुई है तो इस पर तो समस्त भारतवासियों को हर्ष मनानी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि आज जो है हमारा संविधान जीवित है, आज संविधान की जीत हुई। देखिए न्याय जो मिलना चाहिए वो तो अदालत से ही मिलेगा, कोर्ट से ही मिलेगा। अब वो बिल्किस बानो खुद ही बताएंगे उन्हें न्याय मिला या नहीं मिला, लेकिन अदालत हमारे देश का जो संविधान है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वोपरि है और सारे भारतवासी जो है सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों को सर झुका करके मानते हैं। गुजरात सेशन कोर्ट ने क्यों उनको माफ कर दिया था? देखिए वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा और देखने के बाद गुजरात सरकार को उन्होंने लताड़ा और उन्होंने जो है कि अपना जो निर्णय देना था दे दिया। अब आगे जो है कि संविधान पीठ उस पर जो कार्रवाई करेगी करेगी, सरकार ने तो आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उसे तो कोई काट नहीं सकता। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने। तो जैसा कि आप लोगों ने लोगों की राय सुनी, लोगों का यही कहना है कि देरी ज़रूर हुई है इस केस में, लेकिन जो भी फैसला आया है बिल्कुल सही आया, हम इसका समर्थन करते हैं और बिल्किस बानो को जल्दी न्याय मिले इसका इंतज़ार हम करते हैं। द न्यूज़ 15 ऐसी ही खबरें आपके सामने लाता रहेगा। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं राघव, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।